माफ करना, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। शायद ये पसंद आ जाए। मगर आप ये कौन और आप पेड़ पर क्या कर रहे थे? मैं तराशम, एक मशहूर मूर्तिकार। इस गर्मी में चल चल कर थक गया तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। आपकी कला तो अद्भुत है। तराशा की कला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम एक दिन में ये सीख सकते हो, सीखना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं पिताजी को ऐसा ही एक पुतला तोहफे में दूंगी। आप बस हमारे साथ महल चलिए। अरे नहीं नहीं नहीं। क्यों, क्या हुआ तराशा जी? राजकुमारी को महाराज को तोहफा देना है ना? अगर मुझे महल में किसी ने देख लिया तो तुम्हारा सरप्राइज खराब हो जाएगा ना? एक तरीका है तराशा को खुफिया तरीके से महल ले जाने का। ये हुई ना बात। अब वक्त आ गया है महाराज के लिए तोहफा बनाने का। हाँ, मैंने सोच लिया, मैं पिताजी का पुतला बनाऊंगी। वाह इंदुमती, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और मैं भी। हम क्या करें रजू, हम भीम का पुतला बनाते हैं। तुम मेरा पुतला बनाएंगे। ही तो मेरी जान बची है। लोगों का डर मेरा मूड अच्छा कर देगा। बुरा बक्का सबका डर जगा। Problem.
और गांव वालों को परेशान क्यों कर रहे हो? मैं हूँ बुरा बग्गा, जगाता हूँ सबका डर और बजाता हूँ सबका बाजा। चुक्की, जल्दी से दूर हट जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। तो तुम्हारे दोस्तों की मुसीबत है तुम्हारा डर। अब जगाएगा पूरा बग्गा भीम का डर। तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हारी वजह से मैं कितना गंदा हो गया हूँ। तो बुरा बग्गा को गंदगी पसंद नहीं? वैम्पायर का गुम हुआ खजाना इसी में कहीं गुम है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा दोस्तों, वैम्पायर्स बहुत खतरनाक होते हैं, हमें लौट जाना चाहिए, खजाने के लालच में कहीं हम ना गुम हो जाएं। अरे वैम्पायर्स जैसा कुछ नहीं होता, डरो नहीं, मैं हूँ ना, चलो। खजाना दोस्तों, हम तो अमीर हो गए। अरे वाह, इतना सारा सोना, इससे तो हम राजा की जिंदगी जिएंगे। अरे जरूर इसमें हीरे होंगे। ये क्या? अरे ये कालिया इतना शांत कैसे हो गया? अरे ये कालिया को क्या हुआ? इसकी त्वचा पर चौक किसने लगा दिया? और ये कालिया मुल्तानी मिट्टी लगा के क्यों घूम रहा है? कालिया, होश में आओ मेरे प्यारे दोस्त। मतलब चमगादड़ भी होता है, और चमकती गेंद का मतलब होगा सूरज। भीम,
पहेली सुलझ गई। अब मार खाना छोड़ो और कालिया को गुफा के बाहर लेकर आओ। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो सारे लड्डू तुम्हारे। क्यों भीम, पकड़ लिया ना? अब लाओ लड्डू। वो तो मैं खा गया। अरे मेरी चप्पल कहाँ गई? मुझे माँ ने मेरे जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। लगता है तुम्हारी चप्पल पानी में गिर गई है। रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। नमस्ते राजदूत जी, क्या खबर है? राजमहल में से सोने के सिक्कों की थैलियाँ लूट ली गई है और उसकी जगह ताश के पत्तों से भरी थाली छोड़ दी गई है। ठीक है राजदूत जी, हम भीम के लौटते ही राजमहल आ जाएंगे। मुझे तुम्हारी चप्पल के साथ ये ढोलकपुर के खजाने के सिक्के भी मिले हैं। अरे यही तो है महल से चोरी हुए सिक्के। महल में चोरी? इतना सारा सोना, ये कैसा चोर है? सोना चुरा कर दान कर रहा है। मसीहा है या चोर, ये तो ऊपर चलकर ही पता चलेगा।
ये पहेली तो बड़ी आसानी से सुलझ गई। नहीं जग्गू रुको, वहाँ कोई जाल हो सकता है। क्यों बच्चों, हमारी कमाई पर फेरने आए थे ना पानी, याद आ गई ना नानी? हमारी गुफा से बचना इतना आसान नहीं है। इक्का दुक्का तिक्का और चौका, क्यों ना एक मुकाबला हो जाए। ये लड़का तो निकला बड़ा ढीठ, बाद में ना भागना दिखा कर पीठ। जी भैया, सही कहा भैया। तुम्हारे बंदे तो खाली जा रहे हैं। अरे भीम, ये तो महल के सिक्के हैं। जी हाँ महाराज। वाह, आज तो तुमने हमें खुशी से चौंका ही दिया भीम। हाँ महाराज, सिर्फ आप ही नहीं, जिन्होंने चुराए थे वो भी चौंक गए। चलो जग्गू लेट जाओ, फ्रीज नापते हैं। ये फ्रीज जादू से बन रही है क्या? राजू, ये जादू नहीं। सुबह सुबह बुला लिया और खुद लेट है सब। ये क्या, कालिया का बैट, राजू की बॉल और ये स्टंप्स और कौओं के बिखरे पंख। ये देख के तो लगता है यह जरूर कुछ हुआ है। ना जाने मेरे दोस्त कहाँ होंगे। मैं पंखों का पीछा करता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। ये पंख तो यहीं पर रुक गए। दोस्तों, तुम सब ठीक हो ना? किसने किया ये सब? रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हें छुड़ाने। भीम हूँ। तुम उस बुरे कौवे के वश में थे भीम। नहीं,
भीम तो होश में आ गया। ये सब तो मुक्त हो गए। अब तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मुझे वापस इंसान बनने का पोषण नहीं दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं नहीं भीम। पर शुक्रिया। मत करो पुत्र, तुम्हारी मुश्किल का उपाय है मेरे पास। वाह, ये महात्मा तो बहुत ज्ञानी लगते हैं। चलो इन्हीं से पूछते हैं। बाबा, आजकल रात को अच्छी नींद नहीं आती। लगता है मेहनत रंग लाई। सब मुझे असली बाबा समझ रहे हैं। चलो थोड़ा मजा लेते हैं। तो तुम रात को खूब कसरत करो। आप उसे दूसरी भैंस का दूध पिलाओ। अच्छा, तो ये कालिया है। मारो इसे। इसके कहने पे मैंने अपनी भैंस को दूसरी भैंस का दूध पिलाया तो उसका पेट ही खराब हो गया। अब वो सारा दिन दूध की जगह गोबर देती है इसको। लेकिन ये तो कोई बाबा नहीं है। तुम्हारा भांडा फूट चुका है, अब माफी मांग लो। अरे, पर मैं क्यों माफी मांगूं? अब मैं तो बस यहाँ अपने नाटक की तैयारी कर रहा था, तभी चाचा खुद मेरे पास आए और मुझे ज्ञानी बाबा समझ बैठे। लेकिन इसने हमारे विश्वास का फायदा उठाया है। विश्वास नहीं, अंधविश्वास का। आपको बिना जाने पहचाने किसी की भी सलाह पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम कौन हो? मैं गिरगिरी। मुझे परम ज्ञानी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है ढोलकपुर पर राज करने का। प्रणाम परम ज्ञानी बाबा, आपके आशीर्वाद से मेरा सपना पूरा होने वाला है। तुम बड़े ही अच्छे शिष्य हो। तुम्हारे लिए मेरे पास एक खास तोहफा है। कैसा तोहफा बाबा? दुनिया का सबसे महंगा खजाना, ढोलकपुर का सोना। चलो मेरे पीछे आओ। इस रास्ते से अंदर तुम्हें अपना खजाना मिलेगा। जाओ साथियों। गिरगिरी के साथ धोखेबाज। क्यों ना दो दो हाथ हो जाए। ढोलकपुर में स्वागत है मोंडो। हमने आपकी भविष्यवाणियों के बारे में बहुत सुना है। प्रणाम महाराज, हमारे पास स्वागत समारोह के लिए वक्त नहीं है। थोड़ी ही देर में यहाँ गुस्सैल बैलों का झुंड आतंक मचाने वाला है।
ऐसे संकट तो हमारा भीम बाएं हाथ से सुलझा लेता है। भीम, ढोलकपुर पर नजर रखो, हमला कभी भी हो सकता है। जो आज्ञा महाराज। महाराज, चोर आसपास ही होंगे, मैं सुरक्षित जगह पर पहुंचकर हवा में धुएं का इशारा करूंगा। ठीक है मोंडो मसीहा। ये एकदम सही जगह है चकमा देने के लिए। देखूं तो कहीं उन बच्चों ने खजाना भरने में गड़बड़ तो नहीं कर दी। मोंडो, फंस गए ना फंदे में। भीम, तुमने मुझे उल्लू बनाया। मोंडो, तुम्हारा डंडा और चोरी का इरादा दोनों चूर चूर हो गए। महाराज, आपका सोना महल में सुरक्षित जगह है। और मोंडो मसीहा? मोंडो मसीहा का तो चूहा बना दिया भीम ने। अब वो ढोलकपुर की ओर गलती से भी नहीं देखेगा। शुक्रिया भीम, आखिर तुमने ढोलकपुर को लुटने से बचा लिया। शाबाश। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है महाराज। अरे पर मैं रास्ते से केले उठा के नहीं खाता, सिर्फ लड्डू उठा के खाता हूँ। अरे यहाँ तो केलों का मेला लगा हुआ है। रुको जग्गू, कुछ गड़बड़ है। इस जंगल में तो केले के पेड़ भी नहीं है, फिर इतने सारे केले कहाँ से आए? सब नीचे झुको। मंकी किंग बुला रहे हैं, जग्गू द मंकी किंग। ये सब हमें पवित्र गोले ने बताया है। पर ये पवित्र गोला क्या है? पवित्र गोला एक पवित्र चीज है। हर साल पवित्र गोला पवित्र रात में महान मंकी किंग की आत्मा के लिए एक पवित्र शरीर को चुनता है, और इस बार उसने आपको चुना है मंकी किंग। हमें हमारे महाराज मिल गए। महाराज जग्गू की जय। क्या है बिग बॉस?
ढोलकपुर के